एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पांच ऐसे अप्लायंसेस कि हम डेली यूज़ में काम करेंगे तो ये अप्लायंसेस यूज़ करके हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। खाना बनाते समय भी हमें कटिंग चॉपिंग का बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। मील प्लानिंग कर सकते हैं, अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आज के लॉक का स्टार्ट करते। फर्स्ट हमारा जो अप्लायंसेस है ना, एक बॉयलर है, तो इसमें एक साथ 8 एग बॉयल हो सकते हैं। एग बॉयल के साथ हम उसको जो हमारे पोटैटो होते हैं ना, वो भी इसमें बॉयल कर सकते हैं अच्छे से। और एक पोच किसी को बनाना हो, ब्रेड के साथ खाना हो, तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर हमारा एक पोच बन के मस्त तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा अप्लायंसेस है। सुबह सुबह तो किसी के पास टाइम भी नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके हमें जॉब पर निकलना होता है, ऑफिस निकलना होता है, और बच्चों को स्कूल भी देना होता है। तो ऐसे जल्दी सा फास्ट वाला ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ये अप्लायंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये अप्लायंसेस यूज़ करके हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है और अच्छे से मस्त एक बॉईल भी हो जाता है, एक पोच भी बन जाएगा, मस्त ब्रेड के साथ सर्व कर सकते। 5 मिनट के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट बन के मस्त तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा अप्लायंसेस है, आप यूज़ कर सकते इसके। तो हमारा एक साथ मस्त 8 एग बॉईल होके मस्त तैयार हो जाते हैं हमारे। तो सुबह सुबह तो किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर हमारे मस्त एग बन के मस्त तैयार हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट अप्लायंसेस है फूड प्रोसेसर। ये तो सबके पास होना ही चाहिए क्योंकि इसमें कटिंग चॉपिंग, आटा गूंद, वीकली कुछ मील प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ऐसे कटिंग के लिए, ऐसे चॉपिंग के लिए उन्होंने ऐसे कटर दिए होते हैं, तो छोटे के लिए, बड़े के लिए, तो हम उससे मील प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हो। हमारा वीकली का मस्त टाइम भी अच्छे से यूज़ कर सकते दूसरे कामों के लिए। तो 5 मिनट के अंदर हमारा आटा गूंद के मस्त तैयार हो जाता है। तो सुबह तो किसी के पास टाइम नहीं होता, तो आटा गूंदने के लिए रख दो, दूसरा भी हम काम कर सकते हैं। तो ये बटर के लिए उन्होंने ब्लेड दिया होता है, इससे बटर भी हम निकाल सकते हैं बहुत सारा मलाई से। घर में ही बटर मस्त निकाल के हमारा घी बन सकता है। ये भी आटा गूंदने का ये ब्लेड दिया हुआ है। गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाता है, उसका ग्रेट करने के लिए बहुत सारा टाइम हमारा चला जाता है। तो इसमें 2 मिनट के अंदर हमारे गाजर ग्रेट करके मस्त तैयार होके गाजर का हलवा बन के मस्त तैयार हो जाएगा। तो ये भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें अच्छे से जूस के लिए भी एक ऑप्शन दिया होता है, अलग अलग फ्रूट का जूस भी इसमें निकाल सकते हैं हम। देखो गाजर मस्त 2 मिनट के अंदर ग्रेट होके मस्त तैयार हो जाएंगे। देखो कैसे अच्छे से मस्त पीसेस में हमें जैसे पीसेस चाहिए वैसे कट होके तैयार हो जाते। बिरयानी के लिए हमें बरिस्ता तैयार करना हो, बहुत सारा पैच कट करना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारा हमारा टाइम निकल जाता है। तो ये बरिस्ता के लिए अच्छे से सैलेड बनाना हो तो सैलेड के लिए भी हम अच्छे से सैलेड बना सकते हैं, ऐसे कट करके छोटे छोटे पीसेस में। देखो सैलेड के लिए कुछ हमें सब्जी बनानी हो तो उसके लिए भी, तो आटा भी ऐसे मस्त 2 मिनट के अंदर हमारा गूंद के मस्त तैयार हो जाता है। तो आटा ऐसे डालना होता है और ऊपर से हमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको लगा देना होता है, तो अच्छे से आटा गूंद के मस्त तैयार हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो अप्लायंसेस है हैंड मिक्सर। तो इसमें हमें केक बेक करना हो तो उसका सब हम बैटर बनाते हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें क्रीम बनानी हो, घर में क्रीम बनानी हो, पाउडर वाली क्रीम से हमें घर में क्रीम बनानी हो, मलाई से भी घी निकालना हो तो उससे भी अच्छे से निकल जाता है। कभी केक बेक किया है मैंने, तो उसको मुझे क्रीम बनानी है ऊपर वाली, तो मैंने जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना उसकी पाउडर ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की, परचेस की, तो उससे हमें अभी क्रीम बनाएंगे हम घर में। पाउडर वाली क्रीम से अच्छे से क्रीम बन जाती है, ठंडा पानी डालना होता है, तो हमारे 5 मिनट के अंदर थोड़ा 5 मिनट हमें उसको ब्लेंड करना होता है अच्छे से हैंड मिक्सर से, तो उससे मस्त हमारे
क्रीम बन के मस्त तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो अप्लायंसेस है हैंड ब्लेंडर, तो ये भी हमारे डेली हाउस वर्क के लिए, किचन में जो काम करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आसानी से हमारे जो काम होते हैं ना जल्दी से हो जाते। मुझे कढ़ी बनानी हो तो कढ़ी को अच्छे से हमें ब्लेंड करना होता है, तो अच्छे से स्मूदली वो ब्लेंड हो जाता है हो, तो बटर भी अच्छे से निकल जाता है हैंड ब्लेंडर से, अच्छे से निकल जाता है। छाछ बनाना हो तो छाछ भी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है 2 मिनट के अंदर। तो ये भी ब्लेंडर बहुत ज़रूरी होता है हमारे डेली काम के लिए। देखो मैंने के अभी मुझे कढ़ी बनानी थी तो उसके लिए मैंने ये हैंड ब्लेंडर यूज़ किया, तो कितने अच्छे से स्मूदली वो पेस्ट बन के मस्त तैयार हो जाता है। कढ़ी के लिए जो बैटर हम बनाते हैं तो उसका ऐसे सॉफ्टनेस चाहिए, जो हम दही डालते हैं तो उसके लिए, वो बैटर के लिए हमें जो हैंड ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए। तो हैंड ब्लेंडर से 2 मिनट के अंदर हमारा जो बैटर है ना स्मूदनेस आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अप्लायंसेस है कर्ड मेकर। अभी तो समर सीज़न चल रहा है तो समर सीज़न के अकॉर्डिंग तो दही तो आसानी से बन जाता है, तो इतना हॉट चल रहा है तो, पर विंटर के सीज़न में दही जमाने के एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए कर्ड मेकर बनाया हुआ है, तो इसमें दही डालना होता है ऐसे, फिर हमें मिल्क डालना होता है थोड़ा सा वार्म मिल्क डाल के, तो उसको 4 या 5 आवर्स के लिए हमें लगा देना होता है। तो घर में हमारा आसानी से ताज़ा ताज़ा दही बन के मस्त तैयार हो जाता है कर्ड मेकर में। अभी मैं लगा दूँगी, फिर लगाने के बाद आपको दिखाऊँगी कैसे कर्ड मस्त तैयार होके तैयार हो जाएगा ये मशीन के अंदर। छोटा सा कर्ड मेकर है तो ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी। तो लिए बहुत अच्छा अप्लायंसेस है विंटर के लिए, क्योंकि विंटर के सीजन पे दही तो ऐसे बनता ही नहीं है। लगा दिया तो 4 या 5 आवर्स के बाद हमारा मस्त कर्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको इसमें फ्रिज में जमाने के लिए रख देना होता है, थोड़ा ठंडा होने के लिए अच्छा रहता है फिर खाने के लिए। तो घर का बनाया हुआ मस्त दही बन के मस्त तैयार हो गया, देखो कितने अच्छे से बन गया है। मार्केट जैसा ही कर्ड हम घर में ही बना सकते हैं, देखो कितने अच्छे से बन गया और ताज़ा ताज़ा दही बन के मस्त हमारा घर में बन के तैयार हो गया एक कर्ड मेकर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।